बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 16 मई साल 2021, जावेद लतीफी नहीं बल्कि मैं और मेरा बाप भी गद्दार हैं। मरियम नवाज ने तारीखी एतराफ किया है, किसी करप्ट गद्दार को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। एटमी पाकिस्तान तैयार है, अरबों समेत तमाम आलम इस्लाम लाया अमल बनाए। OIC की मीटिंग के अंदर वजीर खारजा ने एक आम गुफ्तगू की है, इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। इसराइल जिस तरीके से नंगी बदमाशी कर रहा है, अमेरिका यूरोपी ममालक उसका साथ दे रहे हैं, पीठ के पीछे खड़े हैं, वो इसको कन्फ्लिक्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। हालांकि इसराइल ने नाजायज कब्जा किया है, अब वहां से अरबों को और फलस्तीनियों को वहां से निकाला जा रहा है जबरदस्ती, और चाहते हैं कि इस पूरे खित्ते पर उनका कब्जा हो और आगे ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको तकवीयत पहुंचाई जाए। इस माहौल के अंदर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज तारीखी इजलास हुआ, जिसके अंदर मुख्तलिफ इस्लामी ममालक के वज़राए खारजा ने शिरकत की है। ये बिलाशुबा एक पहली बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मिलकर इसराइली जारहियत और बदमाशी की मुज़म्मत की और कहा कि फौरी तौर पर OIC के साथ जो अक़वामे मुत्तहिदा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इस इंसानी अलमिये का खात्मा करना चाहिए और इस मामले को यहाँ पर क्लोज किया जाना चाहिए, इसका देरपा हल निकालना चाहिए। ये एक बड़ी आवाज़ है, लेकिन क्या ये कामयाबी होगी या नहीं, इस मामले पर कोई मुतफिका लाया अमल के जाकर इसराइल के खिलाफ चढ़ाई कर दे तमाम ममालक, ये कहना कबल वक्त ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि ये एक पूरी मनसूबाबंदी हुई है। जिस तरीके से हमने देखा इराक, शाम, यमन, अफगानिस्तान, हर जगह तबाही मचाई गई, उसके बाद अरब ममालक जो थे खासतौर पर UAE सऊदी अरब, उनको दिफा के मामले के अंदर अमरीका का गुलाम बनाया गया और फिर पाकिस्तान जैसे ममालक को कर्जों की जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो मुख्तलिफ हरबों के जरिए तमाम आलम इस्लाम को जकड़ लिया गया है। इस माहौल के अंदर मुजम्मत से आगे मामलात शायद न बढ़ सके, लेकिन जिस तरीके से नंगी जारहियत जारी है, इस माहौल के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने पाकिस्तानी रियासत की जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत के मुताबिक उन्होंने बताया है कि इसराइल की जारहियत, बदमाशी, ये नंगापन है और इसके लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फलस्तीनियों के नस्बोलैन की हमायत अपने क्याम से ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक वाज़े और नुमाया असूल रहा है। बाबा कौम हजरत कायदे आज़म मोहम्मद रज़ा इब्तदा से ही फलस्तीनी अवाम के जायद और मुनसफाना हकूक के पुरजोर हामी रहे हैं। मैं आज लगी लिपटी रखे बगैर बरमला अंदाज में खुलकर इदारे ख्याल करना चाहूंगा। पाकिस्तान अपने दिफा से महरूम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबज फौज की ताकत के गैर कानूनी, बिला इम्तियाज और वैशियाना इस्तेमाल, जबर, मुतलक अनानी और नाइंसाफी पर हैरत जदा है। फलस्तीन के खिलाफ हर बरबरीत और मुनज़्ज़म जराइम की मुजम्मत का इजहार करते हैं। इसराइली फौज की कार्रवाइयों, इसकी नौ आबादियाती पॉलिसीज और इसकी जारी जारहियत मुहासरे और इज्तमाई आबादी को सजा देने की जालमाना रवश की बिना पर मकबूजा फलस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल नाकाबले बर्दाश्त है। इसराइली फौज की जानब से बेकस और अपने दिफा से मारूम फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत का बेरहमाना और बिला इम्तियाज इस्तेमाल, आलमी इंसानी व बुनियादी हकूक समेत आलमी कवानीन और असूलों की संगीन और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनी अवाम को दरपेश इस संगीन सूरत हाल पर मेरे वजीर आजम इमरान खान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, तुर्की के सदर रजब तैयब अरदगान और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बात की है। उन्होंने कहा कि हालिया इसराइली जारहियत का कोई जवाब नहीं और ना ही उनसे आंखें चुराई जा सकती हैं। इस अफसरदा और तारीख मौके पर हम फलस्तीन की आवाम और हकूमत के साथ अपने भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं, जो जुरत और बहादुरी से अपने जायद हकूक का दिफा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसराइली मदालम के खिलाफ और अपने अरब और इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए बरसरे पेकार फलस्तीनी आवाम की जुरत व बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और आज तमाम आलम इस्लाम के ममालक को इसराइली जारहियत का जवाब देने के लिए लाया अमल पर मुत्तफिक होना चाहिए। ये एक भरपूर किस्म का मैसेज था, लेकिन अगर इस्लामी ममालक अपनी जो जंजीरें हैं गुलामी की उनको तोड़कर इसराइली बदमाश के सामने खड़े होने का ऐलान कर दें, तो आज ही इसराइल भी पीछे हटेगा,
अमेरिका और मगरबी दुनिया एक दफा हिल सकती है, लेकिन वो माहौल, वो गैरत, वो जुर्रत कहां से आएगी कि फलस्तीनियों के हकूक की खातर इसराइल जैसे छोटे से बदमाश के सामने डट जाएं। बहरहाल ये पहली एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है उसने दी है, लेकिन ये नाकाफी है। आलम इस्लाम के तमाम ममालक को मुजम्मत से बढ़कर अमली इकदाम की तरफ आगे बढ़ना है। जिस तरीके से बच्चे, बूढ़े, खवातीन और उनकी जायदाद, जानो माल, वहां पर उसकी जो जिस तरीके से वायोलेशन हो रही है, यकीन माने जज्बात जो है वो बंदे के अजीब मुश्तइल होते हैं, बेबसी पर रोना आता है कि पूरा इस्लामी दुनिया जिसके 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों को 80 लाख यहूदियों ने यरगमाल बनाया हुआ है और दुनिया तमाशा देख रही है। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग जो यहाँ पर आजादी इदारे राय के टाइटल देकर मुसलमान ममालक को कभी ग्रे लिस्ट कभी रेड लिस्ट की धमकियां देते हैं, वो बेईमान, खबीस और मुनाफक ताकतें इस वक्त इसराइल की पुश्त पर खड़ी हैं और आलम इस्लाम मुजम्मत से आगे बहरहाल नहीं बढ़ सका। ये काबिले अफसोस बात है। अब हम आते हैं मुल्की मामलात की तरफ। आपको इल्म है जावेद लतीफ, उसकी ईद जेल के अंदर गुजरी। इस हवाले से मैंने उस वक्त भी आपको खबर दी थी, जो जो तरीकाकार उनका था, उनको गिरफ्तार किया गया, जमानत अभी उनका रिमांड खत्म हुआ है, दायरा जमानत के लिए अप्लाई करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट यकीनन उनको जमानत अता करेगी और आइंदा चंद दिनों के अंदर विक्ट्री का निशान बनाकर वो बंदा बाहर आएगा। ये मैं पहले आपको खबर दे रहा हूं, आप इसको अच्छी खबर समझें या बुरे समझें। बहरहाल जावेद लतीफ ने क्या स्टेटमेंट थी, उसने कहा कि अगर मरियम को कुछ हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो मर्डर हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान खप्पे का आतिफ जरदारी ने नारा लगाया पाकिस्तान को नहीं टूटने दिया जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद है और चारों सूबों की जंजीर जो नारा लगता था वही नारा उन्होंने बुलंद किया, लिहाजा मशरकी पाकिस्तान इस तरह का सानिया नहीं हुआ। लेकिन अगर मरियम के साथ कुछ किया गया तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम जो है वो फिर मशरकी पाकिस्तान जैसे पहले बना, इस तरह जो है वो हमें मजबूर किया जा रहा है। ये बात की, हालांकि उनके अपने पार्टी का बंदा बेशक उसको करप्ट कहें, लेकिन शहर खाकान अबासी ने कहा कि ये काबिले मुजम्मत बयान है, उसको ये बयान वापस लेना चाहिए। लेकिन मरियम ने कहा चूंकि आपने हमारी नौकरी के अंदर ये स्टेटमेंट दी है, वापस नहीं लेनी, डट जाना है, और वो बंदा डट गया और फिर रिमांड होते रहे और सारा चीजें, अब वो जुडिशियल रिमांड पर है, अब जमानत के लिए अप्लाई करेगा। तो आज ईद का मौका था, तो अब जहर ईद गुजर गई है, लेकिन मरियम नवाज अपने चंद लीडर्स के हमरा जो सियासतदान है, लीडर तो नहीं कहना चाहिए, वो शेखुपुरा पहुंची है, उनकी बूढ़ी माँ के पास हम जा रहे हैं। हालांकि यही बूढ़ी वालदा है बेचारी, जिसके नाम पर करप्शन की जायदाद इसी जावेद लतीफ ने लगाई हुई है, यानी ताकि कल को ये अगर अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से मियां शरीफ साहब दुनिया से चले गए, ये इनका तरीका वारदात है, ये अपने वालदैन बूढ़े और अपनी औलादों को और अपनी बीवियों को भी अपनी करप्शन के अंदर साथ मिलाने के अंदर बिल्कुल नहीं इनको शर्म आती। अब यहां पर जिस तरीके से मियां शरीफ साहब चले गए, उन्होंने मेल कैसे बनाई, अपार्टमेंट कैसे बने जी, वो मियां साहब को पता था, हमारे पास तो वो आ गई है। इसी तरह जावेद लतीफ के कब्जा माफिया होना और इसकी पूरी जायदादों का इस हवाले से बात होती है, अपने वालदा के नाम जायदादें लगाई हुई है, तो इदारे जगजेती के लिए वो पहुंचे। अब उन्होंने कहा कि ये जो गद्दारी है, अगर जावेद लतीफ ने कुछ कहा है, अगर वो गद्दारी है तो फिर पूरा शेखुपुरा गद्दार है। एक तो उन्होंने शेखुपुरा पूरे को गद्दार बनाया और साथ उन्होंने कहा फिर हम सारे गद्दार हैं, यानी मरियम नवाज शरीफ और बाकी जितने लीडर हैं वो भी जो है वो गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर जो फातिमा जना थी उन पर भी गद्दारी का जो है इल्जाम लगाया गया, लेकिन तस्वीर के अंदर पीछे खुर्रम दस्तगीर खड़ा था, जो उस जमाने के अंदर जो गुलाम दस्तगीर इसका वालिद था, लालटेन निशान था मोहतरमा फातिमा जना का, और इसके खुर्रम दस्तगीर के अब्बा जी ने वो लालटेन एक कुत्ती के गले में बांधी थी, ये तारीखी बात है, और उसको कुत्ती को तशबीह दी नाऊज़ बिल्लाह फातिमा जना से। उसका बेटा आज पीछे खड़ा है और ये कहते हैं गद्दारी का इल्जाम लगाया गया, उसी मोहतरमा बेनज़ीर के मोहतरमा जो सॉरी फातिमा जना है उनकी रूह क्या कह रही होगी कि किस तरह का
یہ مفاد پرست لوگ مذاق کرتے ہیں. اب انہوں نے یہاں پر گفتگو کی اور ان کا جو سارا ٹائٹل ہے کرپشن چور بازاری ڈکیٹی کو بچانے کو یہ آئین اور جمہوریت کے لبادے اور الفاظ کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت جب ایس او پیز پر آپ نے قانون بنایا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, اور میں اس لیے عثمان بزدار کو ایک بالکل عجیب قسم کا وزیر اعلیٰ بے اختیار سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ کیوں اتنا مجمع آپ نے جمع ہونے دیا. شادی حال بند ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, آج چلو آپ نے کھولے ہیں لیکن شادی حال تو بند ہے, بڑے بڑے فنکشن تو آپ نہیں کر سکتے لیکن بڑے جلسے ہو رہے ہیں, کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, کوئی کاروائی نہیں ہوگی, وہ جو مرضی ہے کریں, یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب مریم نے جو گفتگو کی پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جاوید لطیف کے گھر اداری یکجہتی کے لیے آئے ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر آئین اور حق سچ بات کرنا غداری ہے تو یہ غداری بار بار کریں گے. غداری غداری کا کھیل بہت برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. نواز شریف کے شعر اور پاکستان کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق کی بات کی. مریم نواز کا کہنا تھا کہ غداری کا لقب جاوید لطیف کو نہیں, شیخ اوپرا کی عوام کو دیا گیا. غداری کا لقب نواز شریف اور مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا. وقت بدل رہا ہے, لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے, آج لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے. ان کا کہنا کہ تمہارے غداری کے فتووں پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر جاوید لطیف کو غدار کہا تو ہم سب غدار ہیں. جنہوں نے غداری کے فتوے بانٹنے ہیں وہ بانٹے, تاریخ انہیں ہیرو کے طور پر, یہ جو غداروں کے جن پر فتوے لگ رہے ہیں ان کو یاد رکھے گی, اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہنے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے اس ملک کو سرعام لوٹا, کوئی ادارہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. لاہور ہائی کورٹ ہو یا دیگر عدالتیں معزز, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا. پھر یہاں پر وہ دندناتے پھر رہے ہیں, ایک بھگوڑا پکڑا گیا اس کو بیرون ملک فرار کروا دیا گیا, دوسرا یہاں پر دندناتا پھر رہا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس ماحول کے اندر وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس ملک کو گالی دیں, اس ملک کے معزز اداروں کو گالی دیں, اور میں حیران ہوں اس ملک کی اس عظیم اسٹیبلشمنٹ پر جس پر اتنے الزام لگائے جاتے ہیں وہ پھر بھی ان سانپوں کو کچلنے کی بجائے زندہ رکھتے ہیں, پھر انہی کو استعمال کرتے ہیں, پھر انہی کو اگلے ٹنے اور پھر مزید آگے نواز شریف نہیں پھر شہباز شریف. اچھا ہے یہ کھیل جب تک کھیلتے رہیں گے وہ محب وطن لوگ جو آج اس ملک کے اداروں کے نعرے لگا رہے ہیں. اگر چور ڈاکو منطقی انجام کو نہ پہنچے تو پھر وہ محب وطن لوگ اس ملک کے اداروں کے خلاف خدا نخواستہ کھڑے ہوں گے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ کوئی اس وطن کو گالی نہ دے سکے اور جہاں پر غداری کو اپنا تمغہ نہ بنا سکے. اب دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان نے کل ایک ہنگامی اجلاس طلب کر دیا اور اس اجلاس کے اندر اپنے جو تمام ترجمان ہیں ان کو طلب کیا ہے اور اس میں جائزہ لیا جائے گا. اس وقت جو مریم نواز ہیں یا شہباز شریف ان کا جو معاملہ ہے دائر اپیل کل دائر ہونے جا رہی ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست ہے پیپلز پارٹی نون لیگ پی ڈی ایم ان معاملات کا جائزہ لیا جائے گا. ای سی ایل کے اندر شہباز شریف کا نام ڈالنے, ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا, مسئلہ فلسطین اور حکومتی حکمت عملی پر غور ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ پیر سپیر کو اجلاس منعقد ہوگا. شہباز شریف کے کیسز اور میں ای سی ایل آپ کو بتا چکا ہوں, اس طرح کے عام معاملات اس کے اندر ڈسکس ہوں گے. وزیر اعظم کمیٹڈ ہے کہ کوئی کرپٹ اور غدار اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن کیا ادارے ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا اس ملک کی عدلیہ, ایگزیکٹو, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر ان سے متفق ہے کہ کرپٹ اور غداروں کا صفایا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا عوام نے انتظار ہے کہ یہ جو کھیل ہے یہ اگر عبرت کا مقام بنتے ان کو سزائیں ہوتی اور یہ پیسہ واپس کرتے ان کے حلق سے پاکستان کی لوٹی دولت لے دی جاتی پھر آج اس طرح کی تقریریں نہ ہوتی. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.